हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आई नो आप सभी बीटीएस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो और उनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी देखते हो और उनकी लाइव स्टोरीज़ की वीडियोस वगैरह देखते रहते हो। तो आई नो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आते होंगे बीटीएस से रिलेटेड, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि उनकी आइडल गर्ल कैसी होगी। आई मीन कि उनको कैसी टाइप की गर्ल्स पसंद होगी और वो इन फ्यूचर कैसी गर्ल से डेट करना पसंद करेंगे और शादी कैसी गर्ल से करेंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, स्पेशली J-Hope की आइडल टाइप गर्ल के बारे में। अगर आपके भी बायस J-Hope है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि हमारे हसमुख J-Hope को किस तरीके की गर्ल पसंद है और वो किस गर्ल से इन फ्यूचर शादी करना पसंद करेंगे और किस एज में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो किसी आर्मी से डेट करेंगे या नहीं। तो आपको इन सभी के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब याद से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुंच पाए। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आप सभी को कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है वो हमें इंटरव्यू के थ्रू मिलती है और लाइव के थ्रू मिलती है। तो हमने इंटरव्यूज़ के थ्रू देखकर ये सारी वीडियोस बनाई होती है। तो वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक इंटरव्यू में J-Hope से पूछा गया कि इन फ्यूचर वो जिस गर्ल से शादी करेंगे या अपने गर्लफ्रेंड बनाएंगे वो कोरिया से ही होनी चाहिए या फिर अदर कंट्री की गर्ल से वो डेट कर सकते हैं। तो इस पर J-Hope ने बोला कि बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे साथ डेट करना चाहती है, वो अदर कंट्री से भी है, तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो गर्ल किसी और कंट्री से है तो मैं उसके साथ डेफिनेटली डेट भी कर सकता हूँ। लैंग्वेज की बात करें तो गर्ल को कोरिया आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो इस पर J-Hope ने बोला कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। अगर उस गर्ल को कोरिया नहीं आती है, उसको कोरिया बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए उसकी लैंग्वेज सीखूँगा जो उसको समझ आती हो। ये वाली बात मुझे J-Hope की काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आई। आप भी मुझे बताना J-Hope की ये वाली बात आपको कैसी लगी। जब J-Hope से इंटरव्यू में पूछा गया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपको कैसा लगता है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप रहना चाहोगे, तो इस पर J-Hope ने बोला कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मेरा कहना है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो हमेशा आपके पास रहे। इसीलिए जिससे भी मैं प्यार करूँगा वो हमेशा मेरे पास रहे, मैं लॉन्ग डिस्टेंस में उसके साथ कभी भी नहीं रहूँगा। J-Hope ने ये भी बोला कि जिससे मैं डेट करूँगा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होना चाहिए मेरी तरफ। तो मैं आपको बता दूँ कि J-Hope का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये सारी बातें J-Hope की जो लाइफ स्टोरी है उनके बचपन से लेके अभी तक की, वो सारी बातें मैंने उनकी लाइफ स्टोरी वाली वीडियो में बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करें, मैं आपको लिंक दे दूँगी वहाँ पर। J-Hope ने ये भी बोला कि वो मेरा हमेशा साथ दे, मेरे साथ खड़ी रहे, हमेशा मेरा सपोर्ट करे, मेरे साथ पॉजिटिव रहे और मेरे बारे में क्या सोचती है वो मुझे ज़रूर बताए। J-Hope ने ये भी बोला कि मैं कभी भी ऐसा एक्ट करता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा क्रेज़ी लगता हूँ, इसीलिए वो मुझे कभी भी नेगेटिव ना सोचे मेरे बारे में, क्योंकि मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता हूँ। J-Hope ने ये भी बोला कि वो हमेशा मेरी केयर करे, साथ ही जब मैं किसी भी मोमेंट को इंजॉय करता हूँ तो वो भी मेरे साथ इंजॉय करे, उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि आपने भी मोस्टली देखा ही होगा कि J-Hope छोटे छोटे चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं वो। J-Hope ने ये भी बोला कि वो गर्ल बहुत ज़्यादा स्वीट हो और प्लेफुल हो और साथ ही हमेशा हंसते रहे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हमारे J-Hope भी पूरा दिन हंसते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा गया वो तो बहुत सारी आर्मी जानना चाहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप किसी आर्मी से डेट करोगे या इन फ्यूचर किसी आर्मी से शादी करना पसंद करोगे। तो इस पर J-Hope ने बोला ऑब्वियसली यस, बट वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करे, मुझे हमेशा प्यार करे। वैसे भी कौन सी आर्मी होगी जो J-Hope से प्यार ना करेगी, उसकी केयर ना करेगी। सो नेक्स्ट वन कि J-Hope ने ये भी बोला कि वो गर्ल बहुत ज़्यादा फ़नी होनी चाहिए, मैं सीरियस गर्ल को प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि J-Hope भी बहुत ज़्यादा फ़नी रहते हैं और ये सारे मोमेंट्स देखकर आमे को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। J-Hope ने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि अगर वो गर्ल सीरियस होगी तो साथ में J-Hope उनके कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि J-Hope हमारे पूरे दिन हंसते रहते हैं और साथ ही वो लड़की सीरियसली मोमेंट में बैठी रहेगी तो आई नो J-Hope को उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। सो नेक्स्ट J-Hope ने ये भी बताया कि वो गर्ल बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होनी चाहिए, अगर उसका कोई फ्यूचर के लिए प्लान है, कोई ड्रीम है तो वो कभी भी उसके लिए गिव अप ना करे, अपने फ्यूचर के लिए हमेशा मेहनत करे, उसका फ्यूचर में जो भी प्लान होगा बनने का मैं उसमें भी हेल्प करूँगा, उसके सपनों को पूरा करने के लिए मैं जो हो सके उसकी हेल्प करूँगा। सो रोमांटिक ना। एनीवेज नेक्स्ट वन इज़ फैशन की बात करें तो J-Hope ने बोला कि अगर वो कैजुअल स्टाइल पसंद करती होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ ही J-Hope ने ये भी बोला कि अगर वो हाई हील पसंद करती होगी तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि वो हाई हील्स को अवॉइड ही करे। बट J-Hope ने साथ ही ये भी बोला कि ये मैटर नहीं करता कि क्या कपड़े वो पहनती है, उसको क्या पसंद है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है। अगर वो जो भी स्टाइल पसंद करती है उसमें वो ब्यूटीफुल लगती है तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट J-Hope ने बोला कि फ्यूचर में वो मेरी हेल्प करे, साथ ही मैं भी उसकी हेल्प करूँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि J-Hope ने ये बोला उसको कुकिंग आती हो, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड बनाती हो, ताकि मैं भी उससे कुछ सीख पाऊँ कि किस तरीके से फूड को कुक किया जाता है। तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताना किस किस को कुकिंग आती है, बहुत अच्छा टेस्टी खाना कौन कौन बनाता है। एंड J-Hope ने ये भी बोला कि वो मेरी हमेशा केयर करे, मुझे प्यार करे और उसको जब भी टाइम मिले वो बुक्स को रीड करे। सो J-Hope ने ये भी बोला कि वो कभी कभी फ़नी बिहेव भी करे, वो ये ना देखे कि वो पब्लिक में है या फिर कहीं और, जैसे कि हमारे J-Hope करते हैं। नेक्स्ट वन कि जब J-Hope से पूछा गया हाइट के बारे में कि उसको कितनी हाइट की गर्ल चाहिए तो इस पर J-Hope ने बोला कि उस गर्ल की हाइट 158 सेंटीमीटर से 164 के बीच में होनी चाहिए। एंड J-Hope ने बोला कि उस गर्ल के लॉन्ग हेयर होने चाहिए। सो नेक्स्ट J-Hope से जब पूछा गया कि गर्ल की एज कितनी होनी चाहिए तो इस पर J-Hope ने बोला कि मैं एज मैटर नहीं करता कि उस गर्ल की एज कितनी है, बट हाँ उस गर्ल की एज इतनी भी ज़्यादा बड़ी ना हो और ज़्यादा छोटी भी ना हो, नॉर्मली हो। एंड लास्ट की J-Hope ने बताया कि वो ज़्यादा मेकअप ना करते हो, नॉर्मली रहे। एंड लास्ट J-Hope से एक क्वेश्चन पूछा गया कि वो किस एज में जाके शादी करेंगे तो इस पर J-Hope ने एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी सा जवाब दिया कि वो 100 की एज में शादी करेंगे। इसका मतलब है कि J-Hope जल्दी शादी नहीं करने वाले हैं, जो भी उनकी आइडल गर्ल होगी उसको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। सो ये थी हमारे J-Hope की आइडल टाइप गर्ल। सो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके अंदर कितनी खूबियाँ हैं, जो जो J-Hope को चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस याद से कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पर BTS से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ आती रहती है। एंड बेल आइकन को प्रेस याद से कर ले ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुंच पाए। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।